नमस्कार, यह आपका अपना चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं बॉलीवुड के खबर की ओर। एशियन पेंट विज्ञापन के मशहूर सुनील बाबू का असली नाम ललित पराशर है, जो अभिनय के साथ साथ गायकी में अपनी एक अलग पहचान बनाते जा रहे हैं। पिछले दिनों मुंबई में उनके अभिनय और गायन से सजी एक एल्बम रोमांस चुपके चुपके का संगीत शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर सोमा घोष की उपस्थिति में जारी हुआ। इस अवसर पर फिल्मकार कमल लथानी और रवि भाटिया भी मौजूद थे। इस एल्बम में कुल 8 गाने हैं। इन सभी गानों के वीडियो बनाए गए हैं, जिसका निर्देशन मंजुल कपूर ने किया है। एल्बम के संगीतकार दीपांकर दास, गीतकार मोहन शर्मा, डीओपी जेएस मंगल और एडिटर शंकर हैं। वीडियो में ललित पराशर के साथ साथ मॉडल प्रतीक्षा, अवंतिका और अंजलि ने अभिनय किया है। चलते चलते आपको यह भी बता दें कि इस एल्बम को बंगला की मशहूर म्यूजिक कंपनी निर्झर सपना द्वारा जारी किया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे मैम, आपने गाना देखा चुपके चुपके? बहुत अच्छा काम किया है ललित जी ने, कि इस समय संगीत में शोरगुल ज़्यादा है। रोमांस की बड़ी कमी है हमारी जिंदगी में। पहले जमाने में देखिए, इसमें देखा मैंने जो जिन्होंने नायिका की भूमिका निभाई उन्होंने साड़ी पहनी है, तो नायिका की भी कमी लगती है, क्योंकि रोमांस ही नहीं है तो नायिका भी कहाँ से आएगी। और 60s 70s में देखिए हमारे ज़िंदगी में कैसे कैसे मीना कुमारी जी, मधुबाला, वहीदा रहमान, फिर गाने भी ऐसे बनते थे उनके ऊपर, देखने में कितना अच्छा लगता था। तो मुझे लगता है कि इन्होंने वो प्रयास किया है फिर से, कि रोमांस चिल्ला के नहीं कही जा सकती, वो चुपके से ही धीरे से ही कही जा सकती। तो उनके उसमें मैंने वो भाव देखा, उनके गले में मैंने किशोर जी का, प्रभावी लहरी जी का भी छत्र छाया में उन्होंने गाया है। बहुत सुंदर शब्द, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छा है, एक्सप्रेशन भी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो पूरा टीम, क्योंकि गाना तो अकेले नहीं गाता गाया जाता है, हम लोग के लिए संगीत का मतलब संगीत, जिन्होंने म्यूजिक दिया है, जिन्होंने रिदम सेक्शन देखा है, वासुदेव जी, दीपंकर जी, जिन्होंने वीडियो बनाया है, मंजूर जी, सबको मैं अभिनंदन करती हूँ इस बात के लिए कि पूरा टीम वर्क है और उनके साथ होने से उन्होंने ललित जी इतना अच्छा गा सके हैं, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन कर सके हैं। तो सभी के ललित जी के लिए खास करके और सभी के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं कि ये जो रोमांस चुपके चुपके सब लोग सुने, यंग जनरेशन सुने, तो प्यार करना भी सीख जाएगी। आपको पता होगा रोमांस दो लोगों के बीच में ही होता है और उसमें बराबर का योगदान, बराबर का प्यार होता है, तभी वो रोमांस निकल कर आता है। सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरती, मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं ललित सर के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस एंड बहुत ही सेट पे भी बहुत ही अच्छा माहौल बनाया होता है। रीज़न क्या होता है, जब भी आप काम करते हैं तो सेट का माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से चीज़ें मैंने ललित जी से सीखी एज एन एक्सपीरियंस, उनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है। इवन मैंने सर से सीखी, मंजू सर से सीखी, ओवरऑल अच्छा लगा। हर दिन आपको एक सिखाते रहता है और हर अच्छा इंसान से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने मिलती है और हमारे साथ सीखने को बहुत अच्छा है। स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज की गई इस पर्टिकुलर गाने के लिए? स्टार कास्ट को हमेशा जो डिजर्व करता है उसको देख के फाइनल की जाती है, और मेरी सोच तो हमेशा ये है कभी ऐसा नॉन एक्ट्रेस हो या नॉन ऐसा हो उसको लेकर मैं कभी वो नहीं रहता हूँ कि कुछ ज़रा नहीं, जो भी टैलेंटेड है और उसमें फिट है उसको लिया जाता है। और अवंतिका फिट थी और उसने अपना काम भी अच्छा किया, आपने देखा ही है। ओके, थैंक यू सो मच ऑल।